हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वॉइस का पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी अंतिम भाग। ठीक है, इसमें हम जो है फ्यूचर टेंस पर जितने भी आधारित सेंटेंसेज होते हैं उसको पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। इससे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस जो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होगा। ये एक्टिव का रूल है, इसे हमने टेंस में भी पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पैसिव में जब चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है ना, शैल विल, और इसमें एक बी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है। ठीक है ना, बी, और वर्ब तो 3 हो ही जाता है पैसिव में, पता ही है हमेशा, चाहे कोई भी टेंस हो, और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि वो ऑब्जेक्ट बन करके आता है। ठीक है, तो इस वाले रूल को हम फॉलो करेंगे पैसिव में चेंज करने के लिए। एक्टिव सेंटेंस है हमारा यू विल राइट अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर, उसके बाद शैल विल में से विल, फिर बी चाहिए तो बी ले लिए, और वर्ब 3 यानी रिटेन बाय यू, मोहन विल प्ले क्रिकेट। देखिए सारा एग्जाम्पल जो है ना वो एक ही है, सारे वीडियो में देखिएगा ना, एग्जाम्पल एक ही मिलेगा आपको, बस ये सब वर्ब चेंज करके हम इसका टेंस बदलते गए हैं, बाकी सब एक ही है। इसका अब फायदा ये होगा आपको कि जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आगे वाले एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, इसका यही फायदा होगा। अब इसमें भी नोट आ गया, हर टेंस में नोट आया था, इसमें भी आ गया, भेजा जाएगा, बुलाया जाएगा, ये भी डायरेक्ट है बाकियों की तरह, तो इसे भी डायरेक्ट पैसिव में चेंज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट पैसिव होता ही है। सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस बी 3, यही वाला रूल, बाई नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बाई लगाएंगे क्यों आखिर, चाय बेची जाएगी तो टी विल बी सोल्ड, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाएगी तो इंग्लिश विल बी स्पोकन इन इंग्लैंड, सेम एग्जाम्पल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये मैंने उसमें भी छोड़ दिया था, ये होगा एक्टिव ना, ये होगा ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमारा एक्टिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल बी होता है ना, वी फो प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस में हमने पढ़ा है ना, ये होता है टेंस का रूल। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट शैल विल बी, और बीइंग तो लगता ही है आपको कि हमेशा जो है बीइंग लगता है कंटिन्यूअस के लिए, तो बीइंग लग गया। ठीक है, बाकी सब वही है, तो वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश विल बी बीइंग लर्नड बाय अस, ऐसे हो जाएगा हमारा। अब ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन, अब यहाँ पे बाय हिम कर लेंगे। ठीक है ना, अब ये है नोट, भेजा जाता रहेगा, बुलाया जाता रहेगा ना, उन्हीं लोगों की तरह इसमें भी नोट आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट पैसिव है तो डायरेक्ट पैसिव में चेंज करेंगे, ये वाला डायरेक्ट रूल लेंगे, बाय को छोड़ देंगे, तो ले लिए, इसमें बनाते हैं, देखते हैं, सेम वही एग्जाम्पल, उन लोगों से यहाँ बैठने के लिए आग्रह किया जाता रहेगा, तो दे विल बी बींग रिक्वेस्टेड टू सीट हियर, ये भी उसी तरह से है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल जो है सेम वही है जो पिछले वाले टेंस में हमने देखा था, पास्ट वाला में और प्रेजेंट वाला में भी। ठीक है, तो इसका भी अब देखते हैं थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है एक्टिव वाला जो टेंस में हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट शैल विल ना, हैव प्लस बी 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शैल विल हैव और बीन लगता है ना, पता है ना, याद है परफेक्ट के लिए हमेशा बीन लगता है, तो परफेक्ट इसलिए बीन आ गया है, अब यहाँ बी हट जाता है जो दोनों में था, बाकी रूल वही है, मदर विल हैव कुक्ड फूड, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे, इसमें भी नोट आएगा वही उन लोगों की तरह, तो इसे भी जो है डायरेक्ट पैसिव में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, अब इसे सुधारेंगे आप। ठीक है, इसे सुधारेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट ये हो गया शैल विल हैव बीन प्लस वी 3, ये टोटल रूल जो है आप सुधार लेंगे फिर से, ये वाला रूल होगा सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वी 3, यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो आप सुधार लेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं इस पर सेंटेंस बना लेते हैं, चोर जेल भेजा जा चुकेगा, तो द थीफ विल हैव बीन सेंट टू जेल, ये रूल हमने इस पर बना लिया है इसी रूल पे, क्योंकि ये रूल तो जो है मिस हो गया है, मैंने बोल दिया, आप उसको नोट कर लेंगे, मतलब यहाँ तक ठीक है रूल होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी तो सब्जेक्ट ही होता है, समझने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ये वाला लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी जो है नोट आएगा एक, वो बिफोर वाला जो होता है, तो बिफोर वाला होता है तो इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट को ही चेंज करेंगे, बिफोर के बाद वाले को छोड़ देंगे, जैसे पास्ट परफेक्ट में छोड़ रहे थे। तो देखिए
सेंटेंस डायरेक्ट हम बनाते हैं. मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर से उधर तो मतलब ही नहीं है, फूड से बनाते हैं. फूड विल हैव बीन बीइंग यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें बीइंग कहाँ से नहीं, ये नहीं होगा, कट. ठीक है, तो हमारा होगा फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई मदर बिफोर फादर कम्स. ठीक है, यहाँ तक हम बना लेंगे क्योंकि बिफोर के बाद तो सेम वही रहेगा ना. अब हमारा आता है लास्ट सेंटेंस, लास्ट टेंस का जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर, और इसमें सिंस के बदले में फ्रॉम होता है टाइम. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे ना. ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बीइंग विथ री बाई प्लस सब्जेक्ट, और इधर हमारा जो है फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम कर लेंगे. ऐसे सेंटेंस देखते हैं, बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स. तो क्रिकेट will have been being played by boys for 3 hours. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम फ्यूचर टेंस के चारों टेंस जो होते हैं उस पे अगर कोई सेंटेंस आता है तो इन नियमों का यूज करके हम जो है इसका भी पैसिव आसानी से बना लेंगे. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा. तो आइए अब जो है इस पर आधारित एक्सरसाइज भी लगा लेते हैं. ये रहा एक्सरसाइज आपके लिए, मोहन विल प्ले क्रिकेट. ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, फ्यूचर इंडिफिनिट के रूल पे इसे बना लेंगे. ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है. ठीक है, ये भी जो है कंटिन्यूअस है. ये सारे सेंटेंस को जो है आप बना लेंगे. ठीक है, पैसिव में चेंज करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे. ये जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है पता ही है कौन सा है, डायरेक्ट पैसिव वाला है. तो इसे भी आप जो है अपना पहले याद करेंगे रूल, उसके बाद इसे बना लेंगे, आपको बनाने आ जाएगा. अगर फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में लिख करके हमसे पूछिएगा, हम उसके बारे में जरूर बताएंगे. चलिए लास्ट हमारा जो है वीडियो के अंत में वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो है हम 10 वर्ड मीनिंग नया नया सीखते हैं तो इसमें भी सीखते हैं. आइए देखते हैं आज का क्या है. ये रहा हमारा, क्योंकि 100 तक कर लिया है ना पिछले वाले वीडियो में, तो इसलिए 101 से है. फर्स्ट हमारा वर्ड है कस्टम, आचार, रीति या रिवाज, कोई एक ही होगा, रीति या रिवाज होगा. अब देखिए कस्टम्स सिर्फ एस लग गया है, ये भी नाउन वर्ड ही है, इसका मतलब रीति रिवाज दोनों हो जाएगा, दोनों बोलेंगे रीति रिवाज. अब है नेक्स्ट वर्ड हमारा कस्टडी, संरक्षण, हिरासत. सुना है ना, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है यानी अपने हिरासत में ले लिया है. मोर, मोर यानी अधिक या ज्यादा, इसमें भी एस लग जाता है तो एडवर्ब ही दोनों वर्ड है और मॉस हो जाता है. ठीक है, आर को नहीं ना पढ़ते हैं बीच वाले को, तो रीति रिवाज हो जाता है. एमनीजिया, ठीक है, एमनीजिया मतलब होता है खो जाना, विस्मरण. एमनेस्टी, राज क्षमा. ठीक है, इव्स, इव्स मतलब ओरी, मतलब नहीं होता है कि उस दीवार की ओर उस साइड से, तो उसी को ओरी बोलते हैं. अब क्या है इव्स ड्रॉप, इव्स ड्रॉप मतलब छिप कर बात सुनना, होता है ना कोई छिप कर बात सुनता है तो उसको इव्स ड्रॉप बोलते हैं. इव्स ड्रॉपर है, वो वर्ब से नाउन बना है, यही वाला है वर्ड जो नाउन बना है. इव्स ड्रॉपर यानी कि छिप कर बातें सुनने वाला, तो जो छिप करके बात सुनता है उसको इव्स ड्रॉपर कहते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे. ये था हमारा आज का 10 न्यू वर्ड मीनिंग. इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और देख लेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर कौन सा होगा. ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जो है हमारे चैनल से जुड़ करके बेसिक इंग्लिश का इजिली नॉलेज प्राप्त कर सके. ठीक है, और चैनल को हमारे जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों.